ठीक है तो हम लास्ट टाइम जो है हमने स्मॉल इंटेस्टाइन तक फंक्शंस पड़, पढ़े थे तो आज हम शुरू करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन को उसके बाद फिर हम लीवर वगैरह के फंक्शंस देखेंगे तो सबसे पहले फंक्शंस ऑफ़ द लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम एंड अनल कैनाल अभी हम वन बाय वन इन सबको देखेंगे कि फंक्शंस कैसे परफॉर्म होते सबसे पहले हमारे पास है एब्जॉर्प्शन द कॉन्टेंट्स ऑफ द इलियम विच पास इन टू द सीकम आर फ्लूइड इवन थ्रो अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर हैज़ बिन ऑब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटस्टाइन अगर आपको इलियम याद हो तो ये स्मॉल इंटस्टाइन का लास्ट पार्ट था और सीकम जो है ये लार्ज इंटस्टाइन का फर्स्ट पार्ट था तो जब इलियम से सिकम में आता है काइम जो खाना हमने खाया होता तो है वार होता है वो फ्लूड फॉर्म में होता है हालाँकि स्मॉल इंटस्टाइन से वाटर की एबजॉर्बशन होती है स्टिल वो लिकुड फॉर्म में होता है तो जब लार्ज इंटस्टाइन में पहुँच जाएगा सिकम में अगेन एब्जॉर्बशन ऑफ वाटर होती जाएगी होती जाएगी अंटिल हमारे पास क्या रह जाए सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी ऑफ फीसिस क्योंकि जो लार्ज इंटेस्टाइन में चीज़ें आएंगी वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड नहीं होंगी वो वेस्ट प्रोडक्ट्स होंगी तो उसमें से जितना पानी है वो लार्ज इंटेस्टाइन उसको ऑब्जॉर्व कर लेगी पीछे जो सेमी सॉलिड रह जाएगा वो वेस्ट प्रोडक्ट होगा जो एन के थ्रू बॉडी से निकल जाएगा मिनरल सॉल्ट्स सम ड्रग्स आर वाइटाम्ब इन टू द ब्लड कैपिलरीज फ्राम द लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज इंटस्टाइन से कुछ मिनरल सॉल्ट्स या वाइटामिन या कुछ ड्रग्स वगैरह भी एब्जॉर्ब होती हैं पर मेनली ये सारी एब्जॉर्बन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है ये अगर आपको याद हो यहाँ पे ये एलियम पार्ट होता है जो लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटस्टाइन को और यहाँ से भी लार्ज इंटस्टाइन शुरू होती है तो सबसे पहले उसका पार्ट है सीकम फिर सेंडिंग कोलॉन दैन ट्रांसफर्स फिर डिसेंडिंग फिर सिगमोइड कॉलॉन फिर यहाँ रेक्टम होता है जहाँ फीसिस स्टोर होती हैं कुछ देर के लिए फिर एनस के थ्रू निकल जाती हैं तो जैसे ही यहाँ से काम इधर पहुँचेगा तो वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है यहाँ पे फिर उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगी सारा पानी उसमें से ऑलमोस्ट निकाला जाएगा सेमी सॉलिड में वो रह जाएगा वेस्ट प्रोडक्ट जिसको हम फीसिस कह रहे हैं फिर वो यहाँ से मूव करके लार्ज इंटेस्टाइन से गुजर के रेक्टम के थ्रू एनस से निकल जाएगा तो पहला फंक्शन क्या था एब्जॉर्प्शन दूसरा हमारे पास आता है माइक्रोबियल एक्टिविटी द लार्ज इंटेस्टाइन इज हेविलइज कोलोनाइज बाय सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विच सिंथेसाइज वाइटामिन के एंड फोलिक एसिड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुदरती तौर पे बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं इन बैक्टीरिया का काम क्या होता है ये दो चीज़ें बना रहे होते हैं वाइटामिन के एंड फोलिक एसिड इन दोनों का जो है बॉडी में डिफरेंट रोल होता है विटामिन के का अलग होता है और फॉलिक एसिड का अलग होता है ये जो बैक्टीरिया हैं हालांकि बैक्टीरिया तो बॉडी के लिए सही नहीं होते पर ये जो बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में है ये फ़ायदेमंद होते हैं ये यहाँ प्रेजेंट है और ये क्या बना रहे हैं वाइटामिन के एंड फॉलिक एसिड ये बैक्टीरिया सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन में होंगे अगर यहाँ से निकल के किसी और बॉडी स्ट्रक्चर में चले जाएँ तो ये वहाँ पर इन्फ्लेशन वग़ैरह या इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं अच्छा अब इसको देखते हैं यहाँ इन्होंने क्या लिखा है द लार्ज इंटेस्टाइन इज हेवलीज बाय सर्टेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया विच सिंथेसाइज विटामिन के एंड फोलिक एसिड दीज माइक्रोब्स आर नॉर्मली हार्मलेस इन ह्यूमंस इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते सिर्फ ये इंटेस्टाइन के अंदर ही रहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हाउएवर दे मे बिकम पैथोजेनिक पैथोजेनिक होता है डिजीज़ कॉज करना इफ ट्रांसफर टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी फॉर एग्जाम्पल इस्चीरिया कोलाई ये एक बैक्टीरिया मे कॉज सिस्टाइटस इफ़ इट गेंस असेस टू द यूरिनरी ब्लैडर अगर ये ब्लैडर तक पहुंच जाए तो वहां जाके इन्फ्लेमेशन कर देता है जिसे हम क्या बोलते हैं सिस्टाइटस तो ये माइक्रोबियल एक्टिविटी थी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर हमारे पास बैक्टीरियाज होंगे डिफरेंट टाइप्स के जो वाइटामिन के एंड फोलिक एसिड्स बना रहे हैं ये दिखाया गया कि ये आपके इंटेस्टाइन के अंदर इस तरह ये चीरिया कोलाई दिखाई गई ई कोलाई इन्हें बोलते हैं इस तरह है बैक्टीरिया पाए जाते हैं गैसेस इन द बावल बॉवल जो है हम इंटस्टाइन को कहते हैं स्मॉल इंटस्टाइन को हम स्मॉल बॉवल बोलेंगे और लार्ज इंटस्टाइन को लार्ज बॉवल गैसेज इन द बॉबल कॉन्सिस्ट ऑफ सम ऑफ द कॉन्सटेंट्स ऑफ एयर मेनली नाइट्रोजन अब जो गैसेज होती हैं बावल में इसी के अंदर जो गैसेज होंगी फीसिस के साथ गैसेज भी होती हैं जो एक्सक्रेट आउट होती हैं ये इनमें मेनली हमारे पास क्या है नाइट्रोजन कैसे आई खाने के थ्रू हमने आ, आई है हमारे अंदर या फिर हमने कुछ पानी पिया उसके थ्रू आई है या कोई एंग्जाइटी अटैक्स हुए तो तब आई है हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन आर प्रोड्यूस बाई बैक्टीरियल फर्मेंटेशन ऑफ एन ऑब्जॉर्ब न्यूट्रेंट्स इस्पेली कार्बोहाइड्रेट्स जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं कुछ जो एब्जॉर्ब नहीं हुए आगे लार्ज इंडस्टाइन की तरफ चले गए हैं उन्हें कन्वर्ट बैक्टीरिया ने किस में कर दिया है हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिथेन ये भी गैसेज का कंपोनेंट है जो बॉडी के अंदर बनती हैं गैसेज पास आउट ऑफ द बॉबल एज फ्लैटस विंड इस कैसे मूव करती हैं एज फ्लैटस लार्ज नंबर्स ऑफ माइक्रोब्स आर प्रेजेंट इन दीसिस फीसिस में माइक्रोब्स के लार्ज नंबर्स प्रेजेंट होते हैं अभी तक हमने दो फंक्शन किए हैं एक एब्जो हमने पढ़ा दूसरा माइक्रोबियल एक्टिविटी उसके बाद तीसरा है मैस मूवमेंट मैस मूवमेंट क्या है कि जो यहाँ से सिक्कम में आ गए हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स अब उनको किस तरह यहाँ से मूव करके यहाँ से इधर लेके आना है इसको हम क्या बोलते हैं मैस मूवमेंट ये होता है कि आप इसकी डिटेल पढ़ लेते द लार्ज इंटेस्टाइन डज नॉट एग्जिबिट पेस्टॉल्टिक मूवमेंट एज इन अदर पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक हमने पढ़ा है ऊपर हम अगर एसोफेगस से बात करें तो पेरस्टॉल्टिक मूवमेंट थी कॉन्ट्रैक्ट मसल कर रहे हैं रिलैक्स कर रहे हैं और फूड कंटिन्यूसली ऐसोफेगस में आया फिर स्टमिक में आया और फिर आगे गया वो कौन सी मूवमेंट्स थी पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होती कैसी होती है लार्ज इंटेस्टाइन में वो देखते हैं ओनली एट fairly लॉन्ग इंटरवल्स अबाउट twice एन hour, घंटे uh, में दो दफ़ा does अ वेव ऑफ स्ट्रॉन्ग peristalsis स्वीप अलॉन्ग द ट्रांसफर्स colon, फोर्सिंग इट्स कॉन्टेंट इन टू द and एंड सिगमोइड एक वेव पास आउट होती है घंटे में दो दफ़ा यहाँ से पास आउट होगी और वो जो यहाँ पे हमारे पास फीसिस वगैरह जो पड़ी हुई है, हैं उसको यहाँ से मूव कराएंगी ट्रांसफर्स कोलॉन से डिसेंडिंग कोलोन और सिगमोइड कोलॉन और जाके स्टोर किधर होती हैं रेक्टम में दिस इज नोन एज मैस मूवमेंट इसको मैस मूवमेंट कहते हैं इट इज ऑफन परिसिपिटेटेड बाई द एंट्री ऑफ फूड इन द इन टू द स्टमिक दिस कम्बिनेशन ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द गेस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स ये बात क्या कह रहे हैं कि जैसे ही आपने कुछ खाना शुरू किया वो खाना जैसे ही मैदे में पहुंचेगा तो वो स्टिमुलेट कर देगा इस मूवमेंट को मैस मूवमेंट को जो पहले आपका जो खाना खाया हुआ पुरानी जो चीज़ पड़ी हुई है वो यहाँ से आगे मूव करना शुरू कर देंगी और किस तरफ जाएंगी रेक्टम की तरफ जाएंगी इसको हम क्या कहते हैं गेस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स आपने खाना खाया है वो हज़म हो गया लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच चुका है उसके बाद जब आपने छः घंटे बाद कुछ अर्स बाद दोबारा जब खाना खाया है तो जैसे ही वो खाना स्टमिक में पहुँचेगा तो स्टिमुलेट करेगा इस बावल इस मैस मूवमेंट को और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो यहाँ से पास आउट होगा टुवर्ड्स रेक्टम इसको हम क्या कह रहे हैं गेस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स बेसिकली फीसिस को बॉडी से बाहर की तरफ निकालना यूजअली द रेक्टम इज एम्पटी रेक्टम जो है जहाँ पे फीसिस स्टोर होती हैं ये जो पोर्शन है ये यूजली कैसा होता है एम्पटी होता है यहाँ कुछ भी नहीं होता बट वेन ए मैस मूवमेंट फोर्सिस द कॉन्टेंट्स ऑफ द सिग्मीन टू द रेक्टम द नर्व एंडिंग्स इन इट्स वॉल्स आर स्टिमुलेटेड बाय स्ट्रेच अच्छा अब वो ये कह रहे हैं कि जब मैस मूवमेंट होगी वो रेक्टम तक पहुंचेगा आपका अनडाइजेस्टेड फूड तो रेक्टम स्ट्रेच की वजह से उसकी नर्व स्टिमुलेट होंगे जिससे वो थोड़ा सा साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएगा और वो रेक्टम में आके रुक जाएंगी डायग्राम से समझाता हूँ ये यूँ है ये सिकमोइड को है ये रेक्टम है होता ही है कि जैसे ही मैस मूवमेंट से यहाँ पे रेक्टम तक पहुँचेगा तो रेक्टम थोड़ा सा साइज़ में बढ़ जाएगा और फिसेज यहाँ रुक जाएंगी बच्चों में ये होता है कि ये इनके कंट्रोल में नहीं होता कि फीसिस को कंट्रोल कर सकें तो वो जैसे ही यहाँ पहुँचेंगे रेक्टम साइज़ में बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो वो फ़ौर यहाँ से आगे आके निकल जाएंगी बाहर बॉडी से बाहर निकल जाएंगी ये इसलिए बच्चे जो हैं दो साल तक इसे अपने उनके कंट्रोल में ये चीज़ नहीं हो सकती कि वो अपनी फीसिस को रोक सकें तो जैसे ही वो रेक्टम में आएगा फ़ौर वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा यहाँ पे भी यही बात दिखाई गई है कि ये हमारे पास रेक्टम होता है रेक्टम जब ख़त्म होता है तो एनल कनाल शुरू होती है और फिर ये यहाँ पे एनस होता है जहाँ से ये बाहर निकलते हैं इसके इर्द गिर्द कुछ मसल्स होते हैं एक ये ब्लू वाले हैं इसको हम क्या कहते हैं इंटरनल अनाल स्फिंस्टर ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते और दूसरे हमारे पास कौन से एक्सटर्नल अनाल स्पेंस्टर ये जो ग्रीन में ये हमारे कंट्रोल में होते हैं तो जैसे ही जब रेक्टम में हमारे पास फीसिस पहुंचती हैं तो रेक्टम के मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ से और ये जो इंटरनल अनाल स्पेंस्टर है ये रिलैक्स करता है जगह ओपन होती है और फीसिस बाहर निकल जाती हैं तो जब आप तीन साल से ऊपर हो जाते हैं फिर आप इन मसल्स पे कंट्रोल कर लेते हैं जो एक्सटर्नल एनाल्स फिंसटर है तो ये वही बात है जो आपको पहले बताइए कि रेक्टम के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि फीसिस रेक्टम में पड़ी हुई हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो फीसिस आगे मूव करेंगी एनल कैनाल की तरफ वहाँ पर इंटरनल एनाल्स फिंस्टर हैं ये रिलैक्स हो जाएंगे ओपन हो जाएंगे और फीसिस बाहर निकल जाएंगी कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द एबडोमिनल मसल्स एंड लोवरिंग ऑफ़ द डायफ्राम इंक्रीज द इंट्रा ऑबडोमिनल प्रेशर जिसको आप क्या कहते हैं वॉल सलवाज मेनोवर रिपीटेड सपरेशन ऑफ द रिफ्लेक्स मे lead टू कॉन्स्टिपेशन हार्ड feces एज मोर वाटर इज absorbed. जब वह फीसिस पहुँच गई हैं आपने उसको बॉडी से बाहर नहीं निकाला तो उसमें से और वाटर एब्जॉर्ब होने लग जाता है जिससे वो क्या आ, किस फॉर्म में कन्वर्ट होती जाती है सॉलिड फॉर्म में और फिर वो आ, फीसिस का निकलना मुश्किल हो जाता है जिसको हम क्या कहते हैं कॉन्स्टिपेशन या कबज़ नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यून ऑफ फीसिस फीसिस में क्या क्या चीज़ें होती हैं

चालीस से तीस तीस से चालीस फ़ीसद उसमें क्या क्या चीज़ें फाइबर्स है? होती हैं वो जो डाइजेस्ट नहीं हो सकें डेड एंड लाइफ माइक्रोब्स होते हैं एपिथेलियल सेल्स होते हैं शेड फ्रॉम द वॉल्स ऑफ द ट्रैक फैटी एसिड्स कुछ होते हैं म्यूकस से बाय द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन ये चीज़ें होती हैं म्यूकस हेल्प्स टू लिब्रिकेट द फीस लीवर के बहुत ज़्यादा फंक्शन है मेटाबोलिज़्म uh, होता है कि बॉडी में जो भी ब्रेक डाउन हो रही हो या नए स्ट्रक्चर बन रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म इसकी दो टाइप्स होती हैं एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म में ये होता है कि नए स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं कैटाबॉलिज्म में होता है कि वो टूट रहे होते हैं जो ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं या जिनका काम नहीं है वो टूट के नए बनते हैं तो मेटाबॉलिज्म में सेंट्रल रोल किसका है लीवर का बॉडी में इसलिए इस लीवर की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्या क्या इसके फंक्शन हैं नाइन फंक्शन हैं कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म ये कंट्रोल कर रहा है फैट का मेटाबॉलिज्म ये कंट्रोल कर रहा है प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म ये कंट्रोल कर रहा है ब्रेकडाउन ऑफ रिथ्रोसाइट्स आर बी सी इसकी ब्रेकडाउन लिवर करवा रहा है डिफेंस आपको दे रहा है अगेंस्ट माइक्रोब्स के साथ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमने भी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो ब्लड होता है स्टमिक वगैरह से स्मॉल इंटेस्टाइन से वो सीधा पहले लीवर में जाता है तो लीवर उसमें कोई भी ड्रग्स वगैरह हैं या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस है तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं इनएक्टिवेशन ऑफ हार्मोन्स जिन हार्मोन्स की बॉडी को ज़रूरत नहीं है उनको इनएक्टिवेट करवाता है लीवर का रोल है प्रोडक्शन ऑफ हीट हीट जो बॉडी में प्रोड्यूस होती है लीवर का काम है सिक्रेशन ऑफ बाइल बाइल जो फैट की मल्सिफिकेशन करवाता है वो भी किसका फंक्शन है लीवर का और स्टोरेज कुछ चीज़ों को ये स्टोर भी करते हैं हम आगे देखेंगे क्या क्या ये स्टोर करते हैं तो ये इतने ज़्यादा फंक्शंस जो हैं ये सारे किसके हैं लीवर के वन बाय वन इनको देखते हैं पहले हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म द लिवर हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेन्टेनिंग प्लाज्मा ग्लूकोसल्स आफ्टर अल्ल राइज ग्लूकोस कन्वर्टेड टू ग्लैकोजन फॉर स्टोरेज एंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हारमोन इंसुलिन लेटर वैन ग्लूकोज लेवल्स फॉल्स द हारमोन ग्लूको कॉन्स्टिमुलेट्स कन्वर्जन ऑफ ग्लैकोजन इंटू ग्लूकोस अगेन कीपिंग लेवल्स विद इन द नॉर्मल रेंज अब प्लाज्मा का क्या काम है कि ये ग्लूकोस लेवल्स जो हमारे होते हैं उनको मैंटेन करता है बॉडी में हमने कुछ खाना खाया है तो कुछ जो एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड थी कुछ तो ग्लूकोस वहाँ चला गया जो एक्सेस ग्लूकोस है जिसकी फ़िलहाल बॉडी को जरूरत नहीं है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा तो वो आके लीवर में स्टोर हो जाएगा और फिर जब ऐसी ज़रूरत हुई कि हमें ब्लड ग्लूकोस लेवल हमारा कम हो रहा है जैसे हमने छः घंटे से कुछ खाया नहीं है तो फिर यही ग्लाइकोजन जो लीवर में स्टोर है इसको इसको लीवर जो है वो ब्लड में भेजेगा और वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा अगेन ग्लूकोस इन दिस वे ये कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर के कंट्रोल में होता है तो हमने क्या बात की हमने कहा कि लीवर का रोल है ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने का जब खाना खाते हैं जो एक्सेस ग्लूकोज़ है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में जो चला जाता है ग्लेक... लीवर में स्टोर हो जाता है जब बॉडी को ग्लूकोज़ की नीड होती है तो ये ग्लाइकोजन दोबारा आके के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है तो ये पहला फंक्शन इसका था कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म नेक्स्ट हम देखते हैं फैट मेटाबॉलिज्म स्टोर्ड फैट कैन बी कन्वर्टेड टू अ फॉर्म इन विच इट कैन बी यूज बाय द टिश्यूज़ टू प्रोवाइड एनर्जी अगेन जो है स्टोर फैट ये फैट को भी स्टोर करता है लीवर में स्टोर होते हैं जब एनर्जी की जरूरत होगी तो फैट आके कन्वर्ट हो जाएंगे एनर्जी की फॉर्म में और वो टिश्यूज़ को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो फैट मेटाबॉलिज्म में भी इसका काम है नेक्स्ट हमारे पास है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डीमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स ट्रांसमाइनेशन और सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में इसके तीन रोल्स हैं पहला क्या है डी ऑफ अमाइनो एसिड्स अमाइनो एसिड्स में से अमाइनो ग्रुप को निकालता है दूसरा क्या है ट्रांसमाइनेशन होती है अमाइनो ग्रुप को निकाल के कहीं और लगा देता है तीसरा क्या है प्लाज्मा प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवाता है अब इनको वन बाय वन देखते हैं डीमाइनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स दिस प्रोसेस रिमूव्स द नाइट्रोजनस पोर्शन फ्रॉम द अनो एसिड

तो डी में क्या है कि इस नाइट्रोजनस ग्रुप को ये निकाल देता है इसे कन्वर्ट किससे कर किसमें करते हैं अमोनिया में वो सेल्स के लिए जहरीला होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में और यूरिया से वो प्रोटीन यूरिन के थ्रू निकल जाता है तो इसको हम क्या कह रहे हैं माइनेशन के अमाइनो ग्रुप को निकाल देना ब्रेक डाउन न्यूक्लिक एसिड्स टू फॉर्म यूरिक एसिड विच इज इसड इन द यूरिन अब न्यूक्लिक एसिड्स भी होते हैं जैसे आर और डी हो गया उनको उनमें से भी नाइट्रोजन निकाल के उसे किस में कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में और वो भी यूरिन के थ्रू बॉडी से निकल जाते हैं ये एक डायग्राम है यहाँ दिखाया जा रहा है कि डीएनए और आरएनए होते हैं तो ये न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं फिर उसको ये न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट करता है फिर बेसिस उसमें से निकाल देते हैं तो फाइनली हमारे पास क्या बन जाता है यूरिक एसिड तो इस तरह ये डीएनए और आरएनए को कन्वर्ट किस में कर रहा है यूरिक एसिड में और वो यूरिन के थ्रू बाहर जा रहे हैं तो ये जो दो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी ये एक तो ये अमाइनो ग्रुप जो रिमूव किया है इसने अमाइनो एसिड से और दूसरा ये जो आर एन ए को से यूरिक एसिड में कन्वर्ट किया इसको हम क्या कहते हैं डी नेक्स्ट है ट्रांस अमाइनेशन रिमूव ए नाइट्रोजनस पोर्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड अटैच इट टू अदर कार्बोट्रेट मालिक्यूल्स फॉर्मिंग न्यू नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स भी करते हैं मोस्ट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स फ्रॉम अमाइनो एसिड्स अमाइनो एसिड्स आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़े हैं अभी तक या नहीं पढ़े पढ़े हैं सर अच्छा उसमें कोई ये टाइप्स पढ़ी एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स यस सर यस सर ठीक हो सर yes, तो नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं कोई बताएगा मुझे तो so, जो माय बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और जो हम जरूरत नहीं होती होते जी उसको आप ये नहीं आप कहेंगे कि बॉडी में प्रेजेंट होते हैं आप इस तरह कहेंगे कि उसे बॉडी खुद बना सकती है ठीक हो गया और जो असेंशियल है जो हमने डाइट के थ्रू लेने जो हमारी बॉडी में खुद नहीं बन सकते तो इसमें ये इसका ट्रांसअमाइनेशन में क्या काम होता है कि अमाइनो एसिड से ये नाइट्रोजनस ग्रुप निकालता है उसे किसी और कार्बोहाइड्रेट मालिक्यूल के साथ जोड़ देगा जिससे ये आपको क्या बना के देता है कोई नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड इसको हम क्या कहते हैं ट्रांस एक डायग्राम है इसमें ये देखें ये हमारे पास अमाइनो एसिड था जो यूजफुल नहीं था तो इसने इसका नाइट्रोजनस ग्रुप उतार दिया है और उसको किधर लगा दिया इधर इस अमाइनो एसिड में उसको कन्वर्ट कर दिया एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड में नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेकडाउन ऑफ रिथ्रोसाइड्स एंड डिफेंस अगेंस्ट अगेंस माइक्रोब्स अब ये रिथ्रोसाइड्स को तोड़ता भी है और डिफेंस भी देता है अगेंस्ट माइक्रोस्कोप माइक्रोब्स दिस इज़ कैरिड आउट बाय द फैकोसिटिक हपैटिक माइक्रोफेजस कुपर सेल्स ये भी हमने लास्ट एनेटमी के लेक्चर में पढ़े थे इन द साइनोसाइड्स साइनोसाइड्स में हमने कहा था उनके वॉल्स में हमारे पास कौन से होते हैं कुपफ़र सेल्स या हिपेटिक माइक्रोफेजस इनका काम क्या होता है एक तो डिफेंस देते हैं माइक्रोब्स के साथ और दूसरा क्या है कि रेड ब्लड सेल्स को भी ब्रेक डाउन करवाते हैं उसके अलावा आर बी सीज जो हैं वो सप्लिन और बोन मैरो में भी ब्रेक डाउन होते हैं नेक्स्ट है हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस दिस इंक्लूड इथेनॉल एंड टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स सम ड्रग्स आर एक्सटेंसिवली इनएक्टिवेटेड बाय द लीवर एंड आर नॉट वेरी इफेक्टिव व्हेन गिवन बाय माउथ ओरली फॉर एग्जांपल कोलेस्टेराइल ट्राई नाइट्रेट अब ये वही बात है अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो जो हम कुछ भी खाएंगे वो स्टमिक और स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटर, स्मॉल इंटेस्ट्रेन के थ्रू एब्बॉर्ब होगा तो वो पहले लीवर के पास पहुंचेगा लीवर फिल्टर आउट करता है तो अब वो जब लीवर के पास पहुंचेगा जो भी हमने खाना खाया हुआ है वो ब्लड रिच इन न्यूट्रेंट्स जो होगा उसमें जो भी टॉक्सिन होंगे उसको ये न्यूट्रलाइज़ करेगा ख़त्म करेगा कोई अल्कोहल वगैरह उसको ख़त्म करेगा इसी तरह जो हम दवाई खाते हैं मुँह से वो भी इसी पाथवे से होके स्मॉल इंटेस्टाइन से लीवर तक जाती है तो कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो लीवर तक पहुँचेंगे तो वो उनको ख़त्म इनएक्टिवेट कर देगा इसलिए वो मेडिसन्स आप फिर औरली नहीं ले सकते वो आपको फिर इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्टली ब्लड में लेनी पड़ती हैं ये क्यों होता है ये वही बात है जो मैंने आपको भी बताया दिस इज बिकॉज आफ्टर ऑब्जॉर्बन फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल द ट्रेवल इन द ब्लड टू द दिल वेयर दे आर लार्जली मेटाबोलाइज सो दैट द लेवल्स ऑफ ब्लड लिविंग द लिवर आर इन इट टू अचीव इफेक्ट्स दिस इज नॉन एज फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म ये बात आपको समझ आ गई है कि किस तरह डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कर रहे हो टॉक्सिक सब्सटेंस की या इसको रिपीट कर दूँ दोबारा रिपीट करना है अच्छा इसमें हमने बात की है कि मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको तो थोड़ा और बेहतर समझ आ जाए ये हमारे पास है स्टमक था और उसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन थी ना तो स्मॉल इंटेस्टाइन से अब जो भी एब्जॉर्बशन होगी वो आगे जाके किधर ब्लड जाएगा सीधा लीवर में चला जाता है तो आपने कुछ भी खाया है तो वो उसमें से जो असेंशियल न्यूट्रेंट्स हैं वो एक्स्ट्रैक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में होंगे तो ब्लड में चले जाएंगे वो ब्लड किधर जाएगा लीवर में अब वो जो आपने खाया उसमें कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं हों जहरीले जो बॉडी की ज़रूरत नहीं है तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन लीवर में हो जाती है पहली बात दूसरी बात यह है कि आपने कोई दवाई खाई लेट्स सपोज तो वो भी इसी चैनल से स्टमिक में स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर इस ब्लड में गई और लीवर तक पहुंची तो लीवर उस मेडिसिन को फिल्टर करता है तो कुछ ऐसी मेडिसन्स हैं जिनको लीवर डिटॉक्सिफाई डिटॉक्सीफाई कर देता है या मतलब ये कह सकते हैं कि उनको इनएक्टिवेट कर देता है तो जब उन्हें एक्टिवेट कर देगा तो दे वो अपना फंक्शन परफॉर्म ही नहीं कर सकेंगी तो इस वजह से बहुत सी मेडिसिन हम औरली नहीं ले सकते जैसे इंसुलिन की एग्जाम्पल ले लें इंसुलिन जिन शुगर के जो मरीज होते हैं उनको आपने इंजेक्शन लगानी होती है इंसुलिन की वो डायरेक्टली आप बाई माउथ आप नहीं दे सकते क्यों वो लीवर में जाके इनएक्टिवेट हो जाती है आप क्लियर हुआ यस सर ठीक हो yes, नेक्स्ट इनएक्टिवेशन हमने कहा ये हार्मोन्स की भी करते हैं दिस इंक्लूड इंसुलिन ग्लूकागोन कॉर्टिसोल थायराइड एंड सेक्स हार्मोन्स इनमें किस हार्मोन ने काम करना है किसने नहीं करना वो भी इसके कंट्रोल में होता है प्रोडक्शन ऑफ हीट द लीवर यूजेज अ कॉन्सटेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज़ ए हाई मेटाबॉलिक रेट एंड प्रोड्यूस अ ग्रेट डील ऑफ हीट इसका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस सबसे ज़्यादा बॉडी में किधर होती है लीवर में होती है इट इज़ द मेन हीट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी सिक्रिएशन ऑफ़ बाइल ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है द हिपेटोसाइड्स सिंथिसाइज द कॉन्सिटूट ऑफ बाइल फ्राम द मिक्सड आर्टेरियल एंड विनस ब्लैड इन द सनोसाइड्स ये वही है जो हमने पढ़ा था कि पोर्टल वेन और हिपेटिक आर्टरी आती है फिर सेनोसाइड में वो मिल जाते हैं वहीं से ये उसमें क्या कर रहा है हिपैटोसाइड्स जो लीवर के साथ बाइल बना रहा है और ये बाइल जो है ये फर्दर फिर आगे लीवर से रिलीज होता है और जाके ग्लैडर में स्टोर होता है दिस इंक्लूड बाइल सॉल्ट बाइल पिगमेंट्स एंड कलेस्ट्रोल अब फिर लास्ट इसका फंक्शन है कि ये स्टोरेज भी होता है स्टोर किसको करता है ग्लाइकोजन को स्टोर करेगा फैट सॉल्युबल विटामिंस को ये स्टोर करता है विटामिन ए डी ई e, के आयरन और कॉपर को ही स्टोर करता है और कुछ ये वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जैसे विटामिन बी ट्वेल्व हो गए उनको भी ये बॉडी में स्टोर करता है जब उनकी ज़रूरत हो तो ये रिलीज़ कर देते हैं उनको ब्लड में ये हो गया हमारा लीवर कंप्लीट नेक्स्ट अब हम बाइल की बात करते हैं तो पहले तो हमने बाइल ये तो बता दिया कि वो इमल्सिफ़िकेशन कराते हैं अब बाइल में खुद होता क्या है बिटवीन 500 एंड 1000 थाउजेंड मिली लीटर ऑफ बाइल आर सेक्रेटेड बाय द लिवर डेली लीवर डेली कितना बना रहे हैं 500 से हज़ार मिली लीटर ऑफ बाइल बाइल में होता क्या है वाटर होता है मिनरल सॉल्ट्स होते हैं म्यूकस होते हैं बाइल पिगमेंट्स होती हैं जैसे बिलरूबिन हो गया बाइल सॉल्ट्स होते हैं कोलिक एसिड होते हैं एंड कीनोडाक्सी कोलिक एसिड हैं और कलेस्ट्रोल हैं इनके क्या फंक्शंस हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं द बॉइल एसिड्स हमने कहा बाइल में एसिड्स भी होते हैं कोलिक एंड कीनोडाक्सी कोलिक एसिड और सिंथिसाइज बाई हिपैटोसाइड्स फ्रॉम कलेस्ट्रोल ये किससे बनते हैं कलेस्ट्रोल से कौन बनाता है हिपैटोसाइड्स बनाते हैं जो लीवर सेल्स होते हैं देन सिक्रेटेड इन टू बाइल है सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट्स बाइल में सिक्रेट हो जाते हैं एज ए सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट और इनका काम क्या होगा ये पी एच बढ़ाएंगे उस काइम की क्योंकि काइम जब स्टमिक से आ रहा होता है उसकी पी एच बहुत कम होती है उसकी पी एच बढ़ाएंगे ताकि और जो एंजाइम्स हैं वो इंटस्टाइन में काम कर सकें इन द स्मॉल इंटस्टाइन दे मल्सिफाई फैट्स ये फैट्स को भी मल्सीफाई करते हैं एडिंग देर डाइजेशन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं इन द टर्मिनल एलियम जो लास्ट पोर्शन है स्मॉल इंटस्टाइन का मोस्ट ऑफ द बॉयल सॉल्ट आर री एंड रिटर्न टू द लिवर इन द पोर्टल वेन एलियम में से बाइल सॉल्ट में से बहुत ज़्यादा जो आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम बाइल सॉल्ट हैं वो अगेन अब्जॉर्ब हो जाते हैं और चले जाते हैं पोर्टल वेन में पोर्टल वेन के थ्रू ये लीवर में चले जाएंगे ये मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ ये हमारे पास लीवर है तो इसने यहाँ से बाइल सिक्रिएट किया बाइल चला गया गोल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो गया इस बाइल में हमारे पास क्या है बाइल सॉल्ट्स से ये बाइल आप एसिड्स कह लें बाइल सॉल्ट्स कुछ भी कह लें तो अब ये जब यहाँ से आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में वहाँ इनका क्या काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट इमल्सिफ़िकेशन जब ये कर लेंगे तो अगेन ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे ब्लड में और फिर पोर्टल वेन के थ्रू अगेन ये लीवर में आ जाएंगे ये इनकी रिसाइकलिंग हो रही है मतलब बाल बाइल सॉल्टस जब अपना काम ख़त्म कर लेंगे ये नहीं है कि ये आगे लार्ज इंटेस्टाइन में चले गए बॉडी से निकल गए ये री हो जाएंगे ब्लड में और दोबारा लीवर में पहुँच जाएंगे ये इनकी रिसाइकलिंग है बाइल सॉल्ट्स की दिस इंटीरोपेटिक सर्कुलेशन और रिसाइकलिंग ऑफ बाइल सॉट्स इन शोर्स दट लार्ज अमाउंट ऑफ बाइल सॉट्स इंटर द स्मॉल डेली फ्राम अ रिलेटिवली स्मॉल बाइल एसिड पूल अब आ, होता ही है कि हम लोग पाँच सौ से हज़ार मिलीग्राम है सिर्फ बट ये जब यहाँ से निकल के जाता है इंटस्टाइन में ये अगैन रीअबॉर्ब हो जाता है तो हमारे पास थोड़ी सी मिकदार होती है बाइल सॉल्टस की और ये अगैन रीअबॉर्बेशन से बार बार इस्तेमाल हो रहा होता है और खाने के हाज़मे में मदद दे रहा होता है बिली रोबिन इज़ वन ऑफ़ द प्रोडक्ट्स ऑफ हिमोलाइसिस ऑफ रिथ्रोसाइट्स बाई हिपेटिक माइक्रोफेजिस कुफ़र सेल्स रिथ्रोसाइट्स जब टूटते हैं उनकी हिमोलाइसिस होती है तो उससे हमारे पास क्या बनता है बिली रोबिन एंड बाई अदर माइक्रोफेजिस इन द स्प्लिन एंड बोन नेरो उसके बाद हमारा लास्ट है आज का फंक्शन ऑफ़ गोल्व ब्लैडर अब गोल्ब्लैडर की क्या फंक्शन है पहला है रिजर्वा फॉर द बाइल जो हमने बाइल से क्रिएट हुआ लीवर से वो आके किधर स्टोर होता है गोल्ब्लैडर में रिलीज़ ऑफ स्टोर्ड बाइल दूसरा फंक्शन क्या है कि बाइल को रिलीज़ कराता है जब खाना जो है कायम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाता है वन द मसल वॉल ऑफ द ग ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स बाइल पासिस थ्रू द बाइल डक्ट्स टू द ड्यूटिनम जब इसके गोल ब्लैडर ये हमारे पास है जब इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से बाइल निकल जाएगा और वो कहाँ पहुँच जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पोर्शन में जिसे हम क्या कह रहे हैं ड्यूटिनम ये कॉन्ट्रेक्शन कब होती है ये हारमोन जो है वो कंट्रोल करते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन जो ड्यूडिनम से सिक्रिएट होता है ये अगर आपको याद है हमने पिछले लेक्चर में फिजियोलॉजी के पढ़ा था कि जैसे ही काइम जो है वो ड्यूडिनम में पहुंच जाएगा ये हार्मोन रिलीज़ होगा सी, सी के ये जाके गॉल ब्लैडर को कहेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे और बाइल को रिलीज़ करे ड्यूडिनम में द प्रेजेंस ऑफ फैट एंड एसिड काइम इन द ड्यूडिनम दूसरा फैक्टर क्या है कि खाने में जब फैट ज़्यादा हो तब बाइल रिलीज होता है क्योंकि इनका काम ही फैट पे होता है या एसिड कायम हो रिलेक्सेशन ऑफ दिपैटोपेक्रेटिकस्टर इस कॉस्ट बाय सी सी के एंड इज़ अ रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स टू कॉन्ट्रक्शन ऑफ गोल्ड ब्लैडर जब गोल्ड ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो स्प्रिंस्टर है पैट्रोपेंक्राटिक स्पेंस्टर ये ओपन हो जाता है और फिर जो भी बाइल है वह सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो जाता है